हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और कई सारे बच्चे जो कि कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षा में पढ़ते हैं, उन्हें अनसीन पैसेज को सोल्व करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वे परीक्षा में अनसीन पैसेज कई नाम मार्क्स के आते हैं, उन मार्क्स को छोड़कर आ जाती है, क्योंकि उन्हें अनसीन पैसेज को सोल्व करने की ट्रिक पता नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको अनसीन पैसेज को कैसे सोल्व करा जाता है, इसका तरीका मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एक से एक ट्रिक बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। यदि आप कोई भी कक्षा में पढ़ रहे हो तो आप इस ट्रिक की मदद से अनसीन पैसेज को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ सबसे पहले कक्षा 9वीं की बात। तो देखिए, कक्षा 9वीं में आपको चार अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, दो अनसीन पैसेज आपको ब्रिज कोर्स के अंदर से पूछे जाएंगे और दो अनसीन पैसेज आपको कॉम्प्रेशन के अंदर से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार टोटल आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे चार अनसीन पैसेज से। तो मैं जो यहाँ पर आपको पैसेज सोल्व करवाने वाला हूँ, वह मैं आपको प्रश्न बैंक के अंदर से ब्रिज कोर्स में जो आपको पैसेज दिए गए उसके अंतर्गत मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो पैसेज लिया हूँ, वह मैंने ब्रिज कोर्स के अंदर से लिया हूँ। सबसे पहले मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि जब भी आप पैसेज को सोल्व करें तो आप पैसेज को सोल्व करें हमेशा लास्ट में, है ना। सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज को लास्ट में सोल्व करना है, पहले सोल्व नहीं करना है। इसका कारण ये है कि यदि आप अनसीन पैसेज को शुरू में सबसे पहले सोल्व करने लग जाते हो, कई बच्चों को मैंने देखा हूं कि वे सबसे पहले अनसीन पैसेज को सोल्व करते हैं, जिसके कारण उनका कई सारा समय बर्बाद हो जाता है। और परीक्षा में जब आखिरी समय बचा होता है तब वे क्वेश्चन आंसर को सोल्व करते हैं, जो उन्हें याद रहता है ऐसे एप्लीकेशन वे उसे आखिरी में सोल्व करते हैं, और जो उन्हें याद रहता है वे परीक्षा में लिखकर नहीं आ पाते हैं। तो इसकी बजाय आप जो पहले आपको याद है, जो पहले आपको एकदम रटा हुआ है, पहले आपको उससे उसको लिख देना है, आपके 50 नंबर इजीली पक्के हो जाएंगे। फिर आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। फिर आपको अंत में, सबसे अंत में करना है अनसीन पैसेज को सोल्व, ताकि क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो। सेकेंड टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि आप अनसीन पैसेज को पढ़ो, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, फिर अनसीन पैसेज को बाद में पढ़ो। कम से कम अनसीन पैसेज को एक दो बार पढ़ो, है ना। अनसीन पैसेज को आपको बिल्कुल पढ़ना है, जो भी पैसेज दिया गया है आपको उसे पढ़ना है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने से फायदा यह निकलेगा कि आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएगा, और क्वेश्चन दिमाग में बैठने के बाद जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपको पैसेज में से ही 90% क्वेश्चन के आंसर इजीली मिल जाएंगे, और उसे आप टिक भी कर सकते हो। तो ये दो टिप को आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आप कोई भी कक्षा में क्यों ना पढ़ रहे हो। चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कम से कम दो बार को पैसेज को पढ़ लेना है, ताकि वह आपके दिमाग में बैठ जाए और इजीली आपको आंसर मिल पाए। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर या आपको याला पैसेज समझा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है वी लिव इन अ सिटी और अ विलेज, अर्थात हम सिटी या फिर विलेज में रहते हैं। वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन, अर्थात हमें अपने घर और स्कूल को साफ और सुथरा रखना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हेयर एंड देयर, गार्बेज यानी कि होता है कचरा, कचरा को यहाँ और वहां नहीं फेंकना चाहिए, थ्रोन यानी होता है फेंकना। इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन, कचरे को हमेशा केवल डस्टबिन में फेंकना चाहिए। If we throw garbage all over the place, यदि हम कचरे को सभी स्थान पर फेंक दें, our surroundings become dirty, हमारा स्थान गंदा हो जाएगा, dirty हो जाएगा। We also need to reduce the use of plastic, reduce का अर्थ होता है कम करना, अर्थात हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम करने की आवश्यकता है। We should use paper or jute bags instead of plastic bags, है ना। स्ट्रीट यानी को होता है के स्थान पर, अर्थात हमें प्लास्टिक बैग के स्थान पर पेपर या फिर जूट का बैग उपयोग में लाना चाहिए। आल्सो बी शुड प्लांट ट्रीज, हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए या फिर ट्रीज को लगाना चाहिए। ट्रीज विल मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्दी, ट्रीज हमारे स्थान को ब्यूटीफुल या फिर सुंदर बनाते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पैसेज आपको दिया है, आपको ये
कचरे के बारे में दिया है कि आपको कचरे को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, आपको कचरे को डस्टबिन में फेंकना चाहिए और आपको अपने स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपका स्थान भी अच्छा सुंदर दिख सके। तो यदि आप केवल पेशज को एक से दो बार पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेशज किसके बारे में और आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट शुड बी कीप नीट एंड क्लीन। तो आपको करना क्या है, आखिरी के चार से पांच शब्दों को पकड़कर रखना है और उन शब्दों को पेशज से मैच करवाना है। जब भी आपको पेशज में भी शब्द दिख जाए तो समझ लीजिए उसी वाक्य के अंदर आपका आंसर छुपा हुआ है। जैसे कि यहां पर लिखा है बाट शुड बी कीप नीट एंड क्लीन, हमने यहाँ पर शब्द को पकड़ा नीट एंड क्लीन। अब हम नीट एंड क्लीन को पेशेज में से मैच करवाएंगे। तो देखिए आपको जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ पर आपको सेकंड लाइन में लिखा है नीट एंड क्लीन, अर्थात इसका आंसर भी यहीं पर छुपा हुआ है। तो देखिए हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, और आपको एक और टिप को यह याद रखना है कि आपको जो पेशेज में दिया है जिसका तस आंसर बहने लिखना है, आपको थोड़ी अपनी भाषा का अपना दिमाग लगाकर भी उपयोग करना है, आपको अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिखना है। तो देखिए जैसे कि आपको सोल्व करना है तो देखिए सबसे पहले हम आंसर में लिखते हैं कर्ता को। ये देखिए यहाँ पर कर्ता क्या है, बी है, बी आने होता है हम बी, फिर हम लगाएंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है इसमें शुड है, शुड लगा दिए, फिर कीप लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कीप के बाद आपको प्लेस से लेकर हम क्लीन तक जिसका तस लिख देंगे, प्लेसेस अराउंड अवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। तो हम यहां पर लिख देंगे बी, फिर लगा सहायक क्रिया कीप, प्लेसेस अराउंड अवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। तो इस प्रकार से आपको जो पेशेज को जो क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं पेशेज में ही मिल जाते हैं, बस आपको आखिरी के तीन चार शब्दों को पकड़ना सीखना पड़ेगा। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज। तो आपको आखिरी के शब्द को पकड़ना है क्या है, पुट द गार्बेज, आपका पुट द गार्बेज को यहां से थोड़ा सा पेशेज में से मैच करवाना है। तो देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक शब्द लिखा है पुट, अर्थात इसका आंसर यहीं पर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम आंसर को जमा कर लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कर्ता, कर्ता क्या है इसमें पीपल है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे पीपल, पीपल याने होता है लोग, कर्ता हम किसे कहते हैं जो कि कर्म करता है, लोग पीपल याने लोग होता है, लोग के करते हैं कर्म करते हैं या फिर काम करती है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कर्ता, कर्ता है इसमें पीपल, फिर लगाएंगे सहायक क्रिया है शुड, फिर लिख देंगे हम क्वेश्चन से पुट द गार्बेज। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, पुट द गार्बेज के बाद आपको जिसका तस लिख देना है ओनली इन डस्टबिन, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है ना। देखिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। तो देखिए आपको आखिरी के तीन शब्द पकड़े इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक है ना, अब आपको इससे पेशेज में ढूंढना है। तो देखिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो देखिए हम इसका आंसर भी इसी के जैसे बनाकर लिख देंगे है ना, सबसे पहले आप लिखेंगे कर्ता, कर्ता क्या है पीपल, फिर आप लिखेंगे सहायक क्रिया शुड, फिर लिख देंगे यूज, अब आपको यूज के बाद पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स जस का तस लिख देना है। तो हमने यहाँ पर जस का तस लिख दिया है, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं व्हाई वी नीड टू प्लांट ट्रीज। तो देखिए आपको आखिरी के तीन दो शब्दों को पकड़ना है, देखिए यहाँ पर लिखा है प्लांट ट्रीज, हम इसे ढूंढते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लांट ट्रीज, अर्थात इसका आंसर यहीं पर कहीं छुपा है। तो हम इसका आंसर जमा कर लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे बी नोट टू प्लांट ट्रीज, क्वेश्चन से हमें इतना लिख देंगे, फिर आगे लगा देंगे दिमाग से बिकॉज, हमें पेड़ों को प्लांट करना चाहिए बिकॉज यानी क्योंकि, फिर लगाएंगे हम लिख देंगे दे विल मेक अवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्दी, क्योंकि वे हमारे स्थान को ब्यूटीफुल रखते हैं और हमारी हेल्थ को भी सुंदर रखती है, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। और देखिए आपको अनसीन पेशेज में वोकैबुलरी पूछी आती है, शब्द भंडार आपको पूछा जाता है, इसके लिए आपको अलग से नॉलेज होना चाहिए, और मैं आपको वोकैबुलरी वाले वीडियो भी आगे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। तो देखिए वोकैबुलरी का नॉलेज भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखिए हमारा अगले क्वेश्चन में वोकैबुलरी है गिव द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेज। देखिए आपको अगली का अपोजिट लिखना है, अपोजिट यानी होता है विलोम शब्द, आपको अगली यानी बदसूरत का विलोम शब्द लिखना है
और अगले का जो अपोजिट शब्द है वह आपको पैसेज के अंदर ही दिया गया है, छुपा हुआ है, आपको लिखना है। तो देखिए, जैसे कि हमको पता है कि अगली का अपोजिट क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है। बदसूरत का अपोजिट होता है खूबसूरत। तो देखिए यहाँ पर आखिर में लिखा है ब्यूटीफुल, तो हम यहाँ पर आखिर में लिख देंगे ब्यूटीफुल। उम्मीद है आपको इस पैसेज समझ में आ गया। हम चलिए एक और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो देखिए सेकंड पैसेज हमें एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज को एक से दो बार पढ़ लेना है। यदि आप एक से दो बार पढ़ लेंगे तो आपको उसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। तो देखिए हमको यहाँ पर इसकी मीनिंग समझ में आ रही है कि जो पैसेज है वे महाराणा प्रताप जी के बारे में है। चलिए अब हम इनके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द किंग ऑफ मेवाड़। तो देखिए आखिरी के तीन शब्दों को पकड़ लिया गया है, किंग ऑफ मेवार, और यहाँ पर पैसेज में से ढूंढिए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको पहली लाइन में किंग ऑफ मेवार, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर जस का तस लिख देंगे, महाराणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवार। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड ही डिवोट हिज एंटायर लाइफ। तो आखिरी के तीन शब्द पकड़ लिए के लिखा है हिज एंटायर लाइफ, और एंटायर लाइफ को आपको यहाँ पैसेज में से ढूंढना है। तो देखिए आपको जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा एंटायर लाइफ, अर्थात इसका आंसर यहीं कहीं छुपा है। तो देखिए आपको मतलब कि इससे जमा कर लिखना है। सबसे पहले आप लिख देंगे देखिए ही डिवोट हिज एंटायर लाइफ, तो देखिए आपको यहां से लिख देना है उत्तर, ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू सेव द यूनार ऑफ मेवाड़, इतना आपको आंसर लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन में आपको बुक पूछा है, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा है ना, वन वर्ड आपको पूछा है। हम इसको सोल्व करते हैं, मैं आपके लिए आ गए वन वर्ड सारे, मैं आपके लिए एक से वीडियो लाने वाला हूँ, उनकी ट्रिक भी लाने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर अंत तक बने रहना है। तो देखिए क्या है, वन हु लिव्ड फॉर हिज हर कंट्री एंड इज रेडी टू डिफेंड इट अगेंस्ट एन एनिमी इज कोल्ड, अर्थात वन हु यानी कौन है, वह लिव्ड फॉर हिज या हर कंट्री, बेहे जो उसकी कंट्री के लिए जीता है, एंड इज रेडी टू डिफेंड इट अगेंस्ट एन एनिमी, और उसके दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार रहता है, उसे हम कहते हैं इज कोल्ड यानी कहना, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे देश के रक्षा कौन करते हैं, हमारे सैनिक करते हैं, वे अपनी मातृभूमि के लिए तत्पर रहते हैं। तो उसी प्रकार से हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे देशभक्त कहते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो अपनी मातृभूमि के लिए तत्पर रहता है, दुश्मनों को सामना करने के लिए तैयार रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, और देशभक्त को अंग्रेजी में कहते हैं पेट्रियोट कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, मेंशन टू क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप, अर्थात हमें महाराणा प्रताप की दो क्वालिटी लिखना है। तो देखिए आपको क्वालिटी देखिए यहीं पर देखने को मिल जाएगी, ही बास अ ब्रेव वॉरियर, अर्थात वह बहादुर योद्धा थे। वॉरियर यानी क्या होता है, योद्धा, ब्रेव यानी होता है बहादुर। तो हमने पहली क्वालिटी के लिख दिए ही बास अ ब्रेव वॉरियर। सेकंड क्वालिटी हमने लिखे ही बास वेरी हम्बल, अर्थात उनका व्यवहार काफी अच्छा था। तो देखिए याली क्वालिटी देखिए आपको यहीं पर मिल जा रही है ही बास वेरी हम्बल, तो हमने इसको भी यहीं पर लिख दिए। फाइव क्वेश्चन में भी आपको वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन पूछे आ रहा क्या है, गिव अपोजिट ऑफ कावर्ड ट्रेटर, आपको कावर्ड और ट्रेटर के आपको बिलोंग शब्द लिखने हैं। तो देखिए कावर्ड यानी होता है कायर, कायर का अपोजिट क्या होता है, ब्रेव, ब्रेव यानी होता है बहादुर, कायर का अपोजिट होता है बहादुर, तो कावर्ड का अपोजिट क्या होगा, ब्रेव होगा, ट्रेटर का अपोजिट होगा पेट्रियट। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। और बाकी जो वोकैबुलरी रहती है उनके आंसर भी आपको पैसेज के अंदर से देखने को मिल जाते हैं। यदि आपको कोई भी कठिन शब्द का आंसर पूछ रहा है तो आपको सिंपल ट्रिक ही लगाना है, यदि आपको दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है तो पैसेज में जो भी आपको सबसे कठिन शब्द दिख रहा होगा, सबसे कठिन शब्द को आपको आंसर में लिख देना है, क्योंकि भाई उसका आंसर भी हो सकता है। इस प्रकार से आपको एक भी नंबर को नहीं छोड़ना है, आपको 20 में से पूरे 20 अंक ले लेना है, आपको इजीली मिल जाएंगे। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में पेसेज को सोल्व कैसे करा आता है समझा दिया हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो को कैसा लगा। यदि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम जाता है आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।